नागपुर शहर में ड्रग तस्करों से ताल्लुकात रखने के चलते पिछले एक वर्ष से पुलिस सेवा से बर्खास्त किए गए विवादित सिपाही जयंता सिलुट को उसके भाई के साथ अवैध साहूकारी फिरौती और मारपीट किए जाने के मामलों के चलते क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता ने जयंता और उसके भाई से 4 लाख रुपए उधार लिए थे और ब्याज समेत उसे करीब 97 लाख रुपए वापस मांग रहे थे। पैसे वापस ना करने पर अपराधियों ने उसे मारपीट की और जान से मारने की धमकी तक दी, जिसके बाद ही ये मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता 39 वर्षीय स्वावलंबी निवासी मनीष राउत है। 2016 में जयंता सिलुट एवं उसके भाई विजय सिलुट से 4 लाख रुपए ब्याज पर उधार लिए थे। हर महीने शिकायतकर्ता आरोपियों को 10% के हिसाब से ब्याज देता था और अब तक वो आरोपियों को 7.5 लाख रुपए लौटा चुका था। लॉकडाउन के कारण मनीष की वित्तीय हालत खराब थी, जिसके कारण वो ब्याज लौटाने में असमर्थ हो रहा था। इस पर अपराधी मनीष पर ब्याज समेत रकम लौटाने का दबाव बना रहे थे। ब्याज समेत रकम लौटाने को लेकर आरोपियों ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट भी की थी। इतना ही नहीं, उसे और उसके परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी थी। आखिरकार मनीष ने त्रस्त होकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बुधवार देर शाम क्राइम ब्रांच ने अपराधियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। या दोघांच्या विरोधात खंडणी, मारहाण, शिवीगाळ आणि एक्सट्रॉशनचे सेक्शन्स IPCC लावून गुन्हा दाखल केलेला आहे अजनी पोलीस स्टेशनला। अशा प्रकारचे जर या संबंधित आरोपींच्याकडून अजून कुणाकडला त्रास असेल किंवा एक्सट्रॉशन केला असेल किंवा अवैध सावकारी थ्रू पिळवणूक करत असेल तर माझं आव्हान आहे सगळ्यांना की आपण संपर्क साधू शकता, याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल। या व्यक्तीचा पोलीस खात्याशी कुठलाही संबंध नाही, कसल्याही प्रकारचा संबंध नाही, त्याला बडतर्फ केलेला आहे। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से BS Crime India News.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।